हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पे यानी मैथ्स बेसिक एजुकेशन हब पर। आज मैं गणित पेडागॉजी के 20 क्वेश्चन लाया हूं, जो भारतवर्ष में जो सीटेट हुआ है और जो विभिन्न प्रदेशों में जो टेट हुए हैं, उनसे मैंने 20 क्वेश्चन चुन के लाया हूं। चलिए आइए शुरू करते हैं, वे कौन से क्वेश्चन हैं जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपके सामने हमारा पहला प्रश्न है, एक विद्यार्थी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बताता है। इसका मतलब है कि उसे कि सूत्र की समझ नहीं है, या फिर गणितीय अवधारणा की समझ नहीं है, या जोड़ने एवं घटाने की समझ नहीं है, या फिर बहुपद की घात की समझ नहीं है। तो इसमें सही जवाब होगा, उसे सूत्र की समझ नहीं है, क्योंकि उसने सूत्र गलत रखा, इसलिए अन्य अवधारणाओं से यहाँ पर कोई संबंध नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, NCF 2005 ने सर्वाधिक बल दिया है ज्ञान की संरचना पर, अवधारणाओं को रटने पर, कठिन सवालों को हल करने पर, या फिर तेजी से गणित करने पर। तो NCF का एक ही फंडा रहा है कि वो ज्ञान की संरचना को बढ़ाए, यानी जो स्थायी ज्ञान हो वो उस पर प्रयोग करके सीखे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ये वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक छात्र 320 कहने पर उसे 30020 के रूप में निरूपित करता है, क्योंकि उसे क्या नहीं है, स्थानीय मान की समझ नहीं है, उसे जोड़ने की समझ नहीं है, उसे घटाने की समझ नहीं है, या फिर उसे गुणा की समझ नहीं है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि उसको जो है स्थानीय मान की समझ नहीं है, क्योंकि अगर स्थानीय मान की समझ होती तो वो उसको इसे सही ढंग से लिख पाता। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन सा शिक्षण सूत्र निगमन विधि से संबंधित नहीं है, सामान्य से विशिष्ट, नियम से उदाहरण, सूक्ष्म से स्थूल, अज्ञात से ज्ञात की ओर। जी हाँ, ज्ञात अज्ञात से ज्ञात की ओर ये नियम नहीं, बाकी जब निगमन विधि लगाई जाती है तो इसमें सभी का प्रयोग किया जाता है, सामान्य से विशिष्ट और नियम से उदाहरण और स्थूल से सूक्ष्म। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है, इसलिए हम डी यहाँ पर चॉइस करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना विधि का मुख्य सिद्धांत नहीं, यानी प्रोजेक्ट विधि का सिद्धांत नहीं है, करके सीखना, जीवन से सीखना, विद्यार्थियों के सहयोग एवं सहचर्य से सीखना, रटकर सीखना। रटकर सीखना प्रोजेक्ट विधि का बिल्कुल उदाहरण नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 6, एक छात्र एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3 इक्वल टू एक्स की पावर 6 लिखता है, इससे पता चलता है कि उसे गणित की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, उसे चर की समझ नहीं है, उसे अचर की गुणा की स्पष्ट नहीं है, उसे चर की गुणा की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि देखिए, तो उसे अवधारणा है, उसे चर की समझ नहीं, चर की भी उसको समझ है, उसे अचर की गुणा नहीं, अचर की यहाँ पर मतलब ही नहीं, यहाँ पर चर की बात चल रही है। तो यहाँ पर उसे चर की गुणा की अवधारणा के बारे में स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उसने चर की जो गुणा की है वो एक्स की पावर गुणा में घाते जुड़ती तो 5 होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन संख्या डी सही होगा। हेलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि, या फिर संश्लेषण विधि। तो आप लोग सोचिए और इसका आंसर लगाइए, और वैसे इसका सही जवाब होगा निगमन विधि। निगमन विधि इसलिए होगा क्योंकि प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर प्रूफ करने के लिए निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आपने शायद ऑप्शन आप लोगों ने भी लगा लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। चलिए प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किस गणित शिक्षण विधि में प्रक्रिया के छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक संयुक्त इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, विश्लेषण विधि, प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि और संश्लेषण विधि। कृपया इसे जल्दी से आप लोग सोचिए, और सही इसका आंसर होगा संश्लेषण विधि, क्योंकि संश्लेषण विधि
में प्रक्रिया के छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक संयुक्त इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। इस विधि में अध्यापक अधिक क्रियाशील रहता है और जो विद्यार्थी होते हैं वो कम क्रियाशील रहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि उसमें बच्चे जो है निष्क्रिय रूप में रहते हैं, इसमें केवल अध्यापक की भूमिका होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विद्यार्थी में रुचियों, संवेगों तथा मनोप्रवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष में किया जाता है या किससे संबंधित है? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आंसर आप लोग लगाइए और इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, भावात्मक पक्ष होगा। क्यों होगा भावात्मक पक्ष? वो होता है जिसमें जो है ग्रहण करना, अनुक्रिया करना, अपने चरित्र का निर्माण करना, यानी वो उसको धारण करके अपने जीवन में उसका प्रयोग करना। तो विद्यार्थी में जो रुचि, संवेग और मनोप्रवृत्तियों का जो विकास होता है वो भावात्मक पक्ष होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है बच्चों में तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति विकसित करना, रटने की शक्ति विकसित करना, सूत्र याद करने की क्षमता विकसित करना या सवाल हल करने की क्षमता विकसित करना? तो सबसे बढ़िया आंसर इसमें है कि गणित का एक ही मूल उद्देश्य है, तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति का विकास करना। अगर असल में देखा जाए तो गणित का केवल और केवल इतना ही उद्देश्य है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो ए वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है 11, मूल्यांकन का उद्देश्य है पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, विद्यार्थियों को उत्तम ढंग से पढ़ाना, उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्यों? जब मूल्यांकन होता तो उससे पता चलता है कि पाठ्यक्रम में क्या संशोधन होना है, परीक्षा प्रणाली में क्या सुधार हमें करना है और विद्यार्थियों को किस ढंग से पढ़ाया जाए जिससे उसका जो है हमें अधिक से अधिक जो है उनको हम सिखा सकें। मतलब पढ़ाना नहीं, बच्चों को सिखाने से मतलब है। तो यहाँ पर परीक्षा यानी जो मूल्यांकन है उसका मूल उद्देश्य होता है कि पाठ्यक्रम में क्या संशोधन करने हैं, परीक्षा प्रणाली में कौन सा सुधार हमको लाना है और परीक्षा विद्यार्थियों को उत्तम ढंग से किस ढंग से पढ़ाया जाए जिससे वो 100% हमारी बातें सीख सकें। चलिए मिलता हूँ आगे। प्रश्न 12, स्वयं सीखने की विधि को गणित में किस अन्य नाम से जाना जाता है? पहली विधि है समस्या समाधान विधि, दूसरा है अन्वेषण विधि, तीसरा है खेल विधि, चौथा है व्याख्यान विधि। तो आपके हिसाब से इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए? जल्दी से अपना ऑप्शन लगाइए। और मैं आपको इसका बता दूं, सबसे सही जो इसका आंसर होगा वो होगा अन्वेषण विधि। अन्वेषण वो विधि होती है जिसमें बच्चा सबसे अधिक सक्रिय रहता है, टीचर बिल्कुल सक्रिय नहीं रहता। तो यानी अन्वेषण विधि में जो भी कुछ वो सीखता अपने आप से वो उसका स्थायी ज्ञान होता। इसलिए स्वयं सीखने की विधि को गणित में अन्वेषण विधि के नाम से जाना जाता है। इसलिए यहाँ पर आंसर आपका भी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 13, समाज में लेन देन, व्यापार, उद्योग इत्यादि व्यवसाय गणित पर ही निर्भर हैं, ये गणित शिक्षण के किस मूल्य की ओर संकेत करते हैं? सांस्कृतिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य या फिर अनुशासन संबंधी मूल्य? तो यहाँ पर ऑप्शन आपने लगा लिया होगा, इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वो होगा सामाजिक मूल्य। हमारे सामाजिक मूल्य ही हैं जो लेन देन, व्यापार और उद्योग की ओर संकेत करते हैं। तो यहाँ से आंसर आपका सी वाला सही होगा। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रेरणा क्रियात्मक व संयोजात्मक गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? ज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, सौंदर्यात्मक पक्ष या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होता है कि प्रेरणा जो है क्रियात्मक व संयोजन गणित शिक्षण के क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। सिम्पसन ने क्रियात्मक पक्ष में निम्न स्तर बताए हैं, प्रत्यक्षीकरण व्यवस्था, निर्देशात्मक अनुक्रिया, कार्य प्रणाली और जटिल प्रत्यात्मक अनुक्रिया। अर्थात यहाँ से आपका आंसर जो है वो बी वाला बिल्कुल सही होगा। तो अगला प्रश्न संख्या 15 है,
अभ्यास शिक्षण निम्न में से सहयोग करता है, अधिगम स्थानांतरण में वृद्धि करने या फिर समस्या के हल की समझ बढ़ाने या फिर सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करने या फिर किसी समस्या के शीघ्र कार्य करने पर। तो इसमें थोड़ा सोचिए और इसका आंसर जो है आपका सी वाला होगा कि जब हम अभ्यास प्रश्न शिक्षण करते हैं तो उससे जो है सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास होता है, इसलिए यहाँ से आपका ऑप्शन जो है वो सी बिल्कुल सही होगा। तो प्रश्न संख्या 16 है, क्रियात्मक गणित का महत्व है प्रत्यक्ष अनुभव, स्वयं करके सीखना, अवधारणाओं का स्पष्ट एवं स्थायी होना, उपरोक्त सभी। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन सभी भी हो सकता है, लेकिन जो पुस्तकें हैं उन्होंने आंसर यहाँ पर स्वयं करके सीखना, क्यों क्रियात्मक ज्ञान कहा है, इसलिए क्रियात्मक ज्ञान केवल और केवल स्वयं करके ही सीखा जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका बी भी मतलब उपयुक्त है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आप लोग बी ही इसको च्वाइस करें। चलिए प्रश्न संख्या 17, गणित की भाषा का अंग है संकेत हैं, यानी जोड़ घटाना गुणा भाग, या फिर संख्या संख्या के साथ जो चर लगते हैं वो, या सूत्र, या फिर सभी। ये आंसर सबसे आसान मतलब क्वेश्चन है, इसका आप लोगों ने उत्तर खोज जरूर लिया होगा और इसका आंसर होगा ये सभी, क्योंकि गणित में बिना संकेत, बिना संख्या और चर और बिना सूत्र के गणित की भाषा हो ही नहीं सकती, मतलब गणित कंप्लीट नहीं हो सकती, इसलिए गणित की पूरी डिक्शनरी है उसका संकेत, संख्या, चर, सूत्र, ये सभी। प्रश्न 18, गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है, समुदाय में या विज्ञान में, सिद्धांत एवं तर्क में, या सभी में। आपने इसका आंसर जरूर निकाल लिया होगा और ये आंसर सबसे आसान है, क्यों गणित शिक्षण का जो विषय है उसका महत्व हमारे समुदाय में भी बराबर है, विज्ञान एक गणित है, गणित ही एक विज्ञान है, सिद्धांत और तर्क के लिए भी गणित बहुत जरूरी है, इसलिए अब आप समझ गए होंगे इसका आंसर यहाँ पे डी होगा, क्योंकि बिल्कुल सही जवाब डी है, क्योंकि तीनों समुदाय विज्ञान, सिद्धांत एवं तर्क का विषय है, महत्व का विषय है। प्रश्न 19, अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है, प्रोजेक्ट विधि, प्रदर्शन विधि, विश्लेषण विधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप बिल्कुल सही समझ गए होंगे, क्योंकि अंकगणित जो है इसका आंसर आप लोग लगाइए जरूर, और इसका सही आंसर होगा विश्लेषण विधि, क्योंकि विश्लेषण विधि में जो है अंकगणित ये उसकी उपयुक्त विधि है। चलिए मिलता हूँ आपको अगले प्रश्न पे। इसका सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, गणित शिक्षण में अध्यापक की भूमिका क्या है, दार्शनिक की है, मित्र की है, परामर्शक की है, या फिर सभी की है। ये भी प्रश्न आप समझ गए होंगे, गणित पढ़ाते वक्त वो दार्शनिक भी बनता है, वो मित्र के तरीके से भी कार्य करता है और परामर्शक का भी कार्य करता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। ये हमारे थे आज के 20 क्वेश्चन, अगले मैं प्रश्न लेकर के फिर आ रहा हूँ 20 क्वेश्चन जो कि काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, उसमें सीटेट के भी होंगे, इसमें हमने सीटेट के बहुत कम रखे थे, बल्कि इसमें केवल हमने टेट के ही प्रश्नों को रखा गया था। तो आपने देखा कि इसमें गणित के विभिन्न पहलुओं पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें अपना ज्ञान का प्रयोग करते हुए, थोड़े से अभ्यास करते हुए तभी आप आंसर देंगे, तभी आप 100% स्कोर कर पाएंगे। फिर मैं मिलता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।